Good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Without getting delay, let's get started. हमारी आज की first news है regarding the India-China relations या India-China border issues. Modi, Xi held border pact seek to mend. बेसिकली अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए रशिया गए हैं. सिमिलरली चाइना के भी रिप्रेजेंटेटिव शी वहां पर प्रेजेंट है. इस दौरान दोनों कंट्री के हेड्स के बीच में एक मीटिंग की गई, फॉर्मल मीटिंग अरेंज की गई. उस दौरान दोनों कंट्रीज के नेशन ने डिस्कशंस किए कि किस तरह से जो बॉर्डर को लेकर के इशूज चल रहे हैं उसे सॉल्व किया जाए. इंडिया चाइना के बॉर्डर इश्यूज को समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में हम चलते हैं. वी ऑल नो इंडिया और चाइना दोनों एक साथ ऑलमोस्ट एक ही टाइम पीरियड में दोनों को फ्रीडम मिली, दोनों ही कॉलोनियल इरा से बाहर निकले और दोनों की सिचुएशन ऑलमोस्ट सिमिलर थी. बट कुछ चेंजेस हुए कि चाइना आज जिस तरह से अपने पॉलिसीज, अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ रहा है और सिमिलरली इंडिया की आइडियोलॉजी उससे अलग रही है. थोड़ा सा मैं पंचशील एग्रीमेंट पे जा रही हूँ. 1948 में जब हमें फ्रीडम मिली, चाइना भी फ्री हुआ, उसके बाद दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप को पांच प्रिंसिपल्स के बेसिस पर गवर्न करने की बात की गई. बेसिकली पंचशील एग्रीमेंट हमारा 1954 में साइन हुआ था दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए कि आने वाले समय में दोनों कंट्रीज किस तरह से चीजों को गवर्न आउट करेंगी. पंचशील एग्रीमेंट का फर्स्ट प्रिंसिपल है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगी, दोनों के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगी, एक दूसरे की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करेंगी कि अब जो है चाहे इंडिया चाहे चाइना दोनों अपने डिसीजंस लेने के लिए सॉवरेन है, फ्री है. द सेकेंड प्रिंसिपल इज म्यूचुअल नॉन एग्रेशन. वी ऑल नो अप्रोक्स 3000 समथिंग का बॉर्डर शेयर करता है हमारा इंडिया चाइना के साथ. सो दूसरा जो प्रिंसिपल है वो बात करता है म्यूचुअल नो एग्रेशन पर, मतलब कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए एग्रेसिव नेचर नहीं रखेंगी, पीसफुली कामफुली एक दूसरे के साथ डील आउट करेंगी अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स को लेकर के. द थर्ड प्रिंसिपल इज म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, मतलब कि कंट्रीज के इंटरनल मैटर्स में कोई भी एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, म्यूचुअल उस चीज को रिस्पेक्ट किया जाएगा. द फोर्थ वन इज इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट. ऐसे पॉलिसीज, ऐसी चीजों को गवर्न किया जाएगा, ऐसे मतलब कि पॉलिसीज को प्रमोट किया जाएगा जिससे दोनों के इंटरेस्ट को बेनिफिट हो, किसी भी कंट्री को घाटा ना हो, कोई भी कंट्री लॉस लाइक सिचुएशन में ना जाए. एंड द लास्ट वन इज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मतलब कि चाइना का ऐसा मानना है कि वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पर बिलीव करता है, इंडिया भी रहे चाइना भी रहे दोनों के बीच में पीस मेंटेन रहे, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करें, ग्रो करें, इकोनॉमिक ग्रोथ हो. ये जो पंचशील एग्रीमेंट है इसे 1954 में साइन किया गया था. बट समय समय पर दोनों कंट्रीज के बीच में अलग अलग डेवलपमेंट्स हुए, कुछ टेंशन्स हुए. मेजरली इंडिया और चाइना के बीच में देखा जाए तो बॉर्डर इशू को ही लेकर के टेंशन होता है. ट्रेड देखा जाए या एक्सचेंजेस देखा जाए तो दोनों कंट्रीज के बीच में उसको लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं रही है. चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो, दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. ये फैक्ट बात है कि इंडियन मार्केट में आज भी चाइनीज प्रोडक्ट बहुत ही बड़े अमाउंट में हमें मिलते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी प्राइस जो है वो एज कंपेयर टू अदर अवेलेबल गुड्स कम रहती है. सो हम प्रेफर भी करते हैं कि हम चाइना के गुड्स को ही परचेस करें, इसलिए हमारे लिए चाइना एक अच्छा अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है, इसलिए हम चाइना के बिना एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते. सिमिलर अप्लाइज टू चाइना, चाइना के लिए भी इंडिया उतना ही इम्पोर्टेंट है. बट चूंकि चाइना की थोड़ी सी आइडियोलॉजी अलग है, चाइना का जो यू कह लो टेरिटोरियल एम्बिशन है वो बहुत अलग है. चाइना अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को पर विश्वास रखता है. चाइना को लगता है जो आसपास का नेबरिंग रीजन है वो पूरा उसके अंतर्गत में आए,
इसी के चलते उसने समय समय पर हमारे साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के कई सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट की। फॉर एग्जाम्पल, अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन ऐसा मानना है चाइना का कि वो रीजन जो है वो सदर्न तिब्बत वाला रीजन है। साथ के साथ गलवान वैली, लद्दाख वाला रीजन, डेपसोंग, टेमचोक, ये सारे रीजन्स चाइना ने डिस्प्यूटेड कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये रीजन है, यहाँ का टेरेन हो जाए, यहाँ का टेम्परेचर हो जाए, दोनों ही बहुत अनबियरेबल टाइप्स है, बट स्टिल हमें चूंकि अपने देश की सिक्योरिटी को एंश्योर करना है, इसलिए जो हमारे जवान है, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, आर्मी के नौजवान हैं, वो सब वहां पर डिप्लॉय रहते हैं और इंश्योर करते हैं कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो सके। बट स्टिल चाइना ने 2020 में क्या किया, हमारी गलवान वैली वाले रीजन में इन्वेट किया, या यूं कह सकते हैं कि वहां पे एग्रेसिव मैप्स को चेंज करके वो रीजन अपने अंदर दिखाया। फिर दोनों कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट्स हुए, बात होने लगी कि किस तरह से इन इश्यूज को डिसॉल्व किया जाए, और हमारे सामने आया 5-point consensus। 5-point consensus हमने 2020 में लाया, जिसके अंतर्गत 5 चीजों को डिस्कस किया गया। फर्स्ट वन इज डिसएंगेजमेंट, सेकेंड वन इज पीस एंड ट्रैंक्विटी, थर्ड इज एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, फोर्थ वन इज फोकस ऑन डायलॉग एंड कम्युनिकेशन, फिफ्थ वन इज ट्रस्ट बिल्डिंग। मतलब कि जो दोनों कंट्रीज हैं वो जो भी एग्रीमेंट्स हैं, डायलॉग्स हैं एग्जिस्टिंग, उन सबको फॉलो करेंगी, साथ के साथ कोशिश करेंगी कि जो भी इशू आ रहा है उन सबको कम्युनिकेट करके सॉल्व किया जाए। साथ के साथ ट्रस्ट बिल्डिंग की भी बात की गई कि दोनों कंट्रीज के बीच में ऐसे ट्रस्ट बिल्डअप हो कि दोनों को एग्जिस्ट आराम से कर पाए। इस 5 consensus point के बेसिस पर ही हमारा जो अभी का ये चल रहा है बॉर्डर को लेकर के इशू सॉल्व करने की चीजें चल रही हैं। सो रिसेंटली जब ब्रिक्स की समिट हो रही है, 16th समिट हो रही है ब्रिक्स की, उसी बीच चाइना के रिप्रेजेंटेटिव और इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव दोनों मिले और दोनों ने बात की कि चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो सिर्फ रीजनल प्रॉब्लम नहीं है, इसको सॉल्व करने से इंटरनेशनल लेवल पर भी चीजें बढ़ेंगी, इंटरनेशनल लेवल पर भी पीस हो गया, स्टेबिलिटी हो गया वो अच्छी होगी, और कहीं ना कहीं सप्लाई चेन बहुत बेहतर हो सकता है, ट्रेड एक्सचेंजेस बेहतर हो सकते हैं, ग्लोबल पीस की तरफ हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। सो उसी को लेकर के दोनों रिप्रेजेंटेटिव के बीच में मीटिंग हुई, और आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है जो हमारा लद्दाख यूनियन टेरिटरी वाला रीजन है वहां पर डिसएंगेजमेंट होगा, डीएस्केलेशन होगा, प्लस नॉर्मल लाइक सिचुएशन जो 2020 के पहले नॉर्मेलिटी मेंटेन थी वो मेंटेन होती हुई हमें नजर आएगी। नेक्स्ट वन इज ब्रिक्स नेशन शुड स्ट्रेंथन फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, सेज पीएम। इस मैंने पहले भी डिस्कस किया कि रशिया है जो है वो 16th ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहा है 2024 की। सो इस एडिटोरियल को समझने के पहले हम समझते हैं ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स जो है वो 5 डेमोक्रेसीज का ग्रुप है, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। पहले 2023 सबसे पहले इन 5 नेशंस ने मिलकर के ब्रिक्स को बनाया, बट रिसेंटली 2024 में इसमें अलग अलग चीजें ऐड की गई हैं, उसे मैं आगे बताऊंगी। हमारे लिए ब्रिक्स का सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि अप्रोक्स वर्ल्ड की 45% पॉपुलेशन इन ब्रिक्स नेशंस में रहती है। साथ के साथ ग्लोबल इकोनॉमी की बात की जाए तो 28% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने के लिए ये 5 ब्रिक्स नेशन ही रिस्पॉन्सिबल है। 5 नहीं, इनकी ग्रुपिंग बढ़ा दी गई है। 2023 में जो समिट हुआ था उसमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, UAE, सऊदी अरेबिया, ये 5 नए नेशंस ब्रिक्स की कंट्रीज में ऐड किए गए। ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE एंड इथियोपिया, बेसिकली ये जो नेशंस की मैं बात कर रही हूँ जिन्हें रिसेंटली एड ऑन किया गया है 2023 में, ये नेशंस क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं एनर्जी रिजर्व्स इन कंट्रीज के पास बहुत अच्छे हैं, इसलिए जो ब्रिक्स नेशन है उनका सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब कि वो काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, ग्लोबल चेन को मेंटेन रखने के लिए ब्रिक्स नेशन का इंटर कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। अगर मेजर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए
प्रमोटिव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. पहला जो मेन एम है ब्रिक्स को बनाने का वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो साथ के साथ डेवलपमेंट हो. BRIC aim to support sustainable development by facilitating trade, investment and infrastructure developments. Second one is reforming global governance. Global level पर governance में reforms लाने के लिए हमने BRICS बनाया. Enhancing political and security cooperation. Technological and cultural exchanges. Basically ये चार objectives हैं जिनके तहत हमने BRICS nation बनाया है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ब्रिक्स नेशन से जो पूछी जा सकती है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक. बेसिकली 2024 में ब्रिक्स नेशन ने मिलकर के न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया. उसमें ब्रिक्स नेशन का ही कंट्रीब्यूशन है, मतलब ब्रिक्स नेशन ने आपस में कंट्रीब्यूट करके एक बैंक बनाया न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में. इसका मेन एम है जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं साथ के साथ जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें अगर किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी तरह का डेवलपमेंट हो रहा है और उन्हें लोन की जरूरत है सो वो न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोन ले सकते हैं. पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो सिर्फ ब्रिक्स नेशन के लिए नहीं बल्कि डेवलपिंग नेशंस के लिए बना हुआ है, मतलब कि डेवलपिंग नेशंस भी एलिजिबल है न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोन उठाने के लिए. अब बात की जाए अभी रिसेंट समिट की, रशिया के कजान रीजन में. यू कैन सी इन दिस मैप, ये है रशिया का मैप. यहाँ पर कजान एक रीजन है. यहाँ पर रिसेंटली 16th ब्रिक्स की समिट कंडक्ट की गई. इस समिट के कुछ पॉइंट्स को समझा जाए कि क्या क्या बात की गई. सो आज का मेन न्यूज एडिटोरियल में जो डिस्कस किया गया है इसमें बात किया गया कि इंडिया फेवर्स ग्रेटर फाइनेंशियल इंटीग्रेशन अमंग द मेंबर कंट्रीज ऑफ द ब्रिक्स ग्रुपिंग. बेसिकली इंडिया ने अपना एग्जांपल बताया कि जिस तरह से इंडिया ने यूपीआई बनाया, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम बनाया है, इंटरफेस बनाया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लेकर के कई सारी कंट्रीज सामने आ रही है. हमने पहले भी डिस्कस किया यूएई के साथ हो गया, सिंगापुर के साथ हो गया, अलग अलग कंट्रीज के साथ हमारे पेमेंट इंटरफेस ने कोलैब किया है या एग्रीमेंट साइन किए हैं ताकि जो ट्रेड है या जो रेमिटेंसेस हैं उनका फ्री फ्लो हो सके, इजीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री फ्लो कर सके रेमिटेंसेस मनी. अगर इजी फ्लो होगा तो कहीं ना कहीं जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो कन्वीनिएंटली एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट हो सकते हैं और चीजें और इफेक्टिव वे में कंडक्ट हो सकती है. तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना ये है कि फाइनेंशियल इंटीग्रेशन की जरूरत है. जो ग्लोबल लेवल पर ट्रेड हो रहा है उसे कहीं ना कहीं लोकल करेंसीज तक लाने की बात की जा रही है. अभी ग्लोबल लेवल पर ट्रेड यूजुअली यूएसए के डॉलर में कंडक्ट होता है. अगर यूएसए के डॉलर को हटा करके हम लोकल करेंसीज में ट्रेड करने लगेंगे तो उससे ट्रेड का जो अमाउंट है वो भी बढ़ेगा, साथ के साथ ग्लोबल स्टेबिलिटी की तरफ भी ज्यादा बढ़ेंगे. ये सारे जो लोकल करेंसी पर ट्रेड करने की बात की जा रही है उसको और भी कंट्रीज ने प्रमोट किया है. उसके पीछे रीजन यही है कि चूंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉरलाइक सिचुएशन हुई, डिस्प्यूट हुआ, रशिया ने यूक्रेन के रीजन में इन्वेड किया, उसकी टेरिटरी को इलीगली कैप्चर करने की कोशिश की, तो वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए. सैंक्शंस लगाने से रशिया डॉलर में इजिली ट्रेड नहीं कर पा रहा था. उस तो रशिया ने भी इस चीज को प्रमोट किया कि हमें लोकल करेंसीज में ट्रेड को प्रमोट करना चाहिए. सो एट द एंड 16th समिट, एक तो पहली चीज ये थी कि इसमें जो हमारे नए मेंबर्स हैं ईरान, इथियोपिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सारे नेशंस ने पहली बार ब्रिक्स की समिट अटेंड की. साथ के साथ हमने बात की इसमें फाइनेंशियल इंटीग्रेशन और ट्रेड को बढ़ाने की बात की. दिस वॉज अबाउट द सेकेंड न्यूज. आगे बढ़ते हैं. सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स स्टेट लेजिस्लेचर राइट टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल अल्कोहल एज एन इंटॉक्सिकेंट. इस न्यूज को समझने के लिए पहले हमें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्केड्यूल 7 समझना पड़ेगा. वी ऑल नो हम एक फेडरल स्टेट है. फेडरल मतलब कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन. एक तरफ रहता है यूनियन, यूनियन के पास अपने पावर्स हैं, उस पावर को यूनियन ने स्टेट्स के साथ शेयर किया है, इसे कहा जाता है फेडरलिज्म. सो इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में स्केड्यूल 7 में और बेहतर तरीके से डिवाइड किया गया है. मतलब कि स्केड्यूल 7 में तीन लिस्ट बनाई गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट
एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसे सब्जेक्ट जो नेशनल इम्पोर्टेंस रखते हैं, जैसे हो गया डिफेंस हो गया और बैंक्स हो गया, ये सारी चीजें जो नेशनल लेवल पर इम्पोर्टेंट रहती हैं, इन सब में ये सब एक्सक्लूसिवली यूनियन गवर्नमेंट या यूं कह लो पार्लियामेंट के अंतर्गत आती हैं। मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट ही इन पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। सेकेंड लिस्ट इज स्टेट लिस्ट, जो लोकल लोकल लेवल की चीजें रहती है जिन पर ज्यादा कंट्रोल स्टेट का रहना चाहिए, उन्हें सेकेंड लिस्ट स्टेट लिस्ट में मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल पुलिस हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारी चीजें स्टेट के अंतर्गत आती हैं। और कुछ टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट मैटर्स म्यूचुअल रहते हैं, मतलब कि जिनमें दोनों का कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन कंपलसरी रहता है, उन सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। उन सब्जेक्ट्स में दोनों लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम सेंट्रल लॉ ही प्रिवेल करता है। अगर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब कि स्टेट लॉ कुछ और कह रहा है, सेंट्रल लॉ कुछ और कह रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में यूजुअली पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ ही लॉ ऊपर माना जाता है, उसी को फॉलो किया जाता है। सिमिलरली जो आज की न्यूज आई है, सॉरी सिमिलरली जो आज की न्यूज आई है वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल को लेकर के आई है। स्केड्यूल 7 में ऑलरेडी मेंशन है कि अल्कोहल या इंटॉक्सिकेंट अल्कोहल जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, बट इंडस्ट्री यूनियन का सब्जेक्ट है। सो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो होता है वो किसके एम्बिट में आएगा। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लियर किया कि अल्कोहल एक ऐसा, मतलब कि जो इंटॉक्सिकेटिंग अल्कोहल है उसमें हर तरह के अल्कोहल को ऑलरेडी मतलब कि माना जाता है कि वो सब चीजें जो आएंगी वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल के अंतर्गत ही आएंगी। सो एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी स्टेट लेजिस्लेचर का ही पार्ट है, स्टेट लेजिस्लेचर ही उसमें किसी भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। नेक्स्ट वन इज स्टबल बर्निंग वायलेट्स राइट टू क्लीन एनवायरमेंट कोड। बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 जो बात करता है वो राइट टू लाइफ बात करता है। राइट टू लाइफ सिर्फ जीने का अधिकार नहीं बात करता है, ये एक अम्ब्रेला राइट है। इसके अंतर्गत और छोटे छोटे अलग अलग राइट्स को भी मेंशन किया गया है, उसमें से एक है राइट टू फ्री पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। मतलब कि अगर एक पर्सन डिग्निटी के साथ, शान मान के साथ रहना चाहता है तो उसके पास पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट रहने का भी अधिकार है। सो अभी हम सब ने बहुत डेप्थ में डिस्कस किया है कि जो स्टबल बर्निंग वाला केस है दिल्ली एनसीआर वाले रीजन के आसपास, जो एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन सारे रीजन्स में स्टबल बर्निंग की जाती है। स्टबल बर्निंग के कारण जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो बहुत गिर जाती है और कहीं ना कहीं लोगों का जो राइट टू लाइफ है वो इफेक्ट हो रहा है इस चीज से। नेक्स्ट वन इज साइबर फ्रॉड लॉसेस कुड अमाउंट टू 0.7% ऑफ जीडीपी प्रोजेक्ट्स मिनिस्ट्री स्टडी। बेसिकली मिनिस्ट्री ने स्टडी किया इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये एक इंस्टीट्यूट है जो इंडिया के द्वारा बनाया गया है, साइबर क्राइम्स की एपेक्स बॉडी कह लो। साइबर क्राइम्स क्यों हो रहे हैं, कहां से हो रहे हैं, किस चीज से, कैसे उनको टैकल करना है, इन सब के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए हमने I4C बनाया है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसके अंतर्गत ये बताया गया है साइबर फ्रॉड होने की वजह से इंडिया में अप्रोक्स 0.7% ऑफ जीडीपी हमें कम देखने को मिल सकती है। मतलब कि साइबर फ्रॉड्स की वजह से अप्रोक्स हमें 1.2 लाख करोड़ का लॉस, या यूं कह ले कि इससे हमें इतना पैसा कम मिल सकता है, मतलब कि जीडीपी इतने परसेंट से कम हो सकती है। इसी रिगार्डिंग इसका मेन रीजन ये बताया गया, जो म्यूल या यूं कह लो फ्रॉड बैंक अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द साइबर क्राइम्स को कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज सेंटर टाइटेंस नॉर्म्स फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक्टिविस्ट सीक विड्रॉल। बेसिकली
हम सब जानते हैं हमारे सामने केस आया था आईएएस पूजा खाडेकर जी का। उन्होंने उन ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि उनके जो डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट्स हैं वो फ्रॉड है, मतलब कि जिस लेवल की डिसेबिलिटी उन्होंने शो की थी और जिस हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिला पर्सन विद डिसेबिलिटी का, वो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं थी। इसी रिगार्डिंग सेंटर ने लॉज बनाए, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को टाइटन कर दिया, मतलब कि अगर किसी पर्सन को अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करवाना है तो उसे हेल्थ ऑफिशियल्स के सामने ही रिप्रेजेंट, मतलब कि हेल्थ ऑफिशियल्स की परमिशन से ही बनवाया जा सकता है, पहला चीज। दूसरा चीज जो टाइटन किया गया वो ये कि पहला इसका टाइम पीरियड रहता था 1 मंथ, मतलब कि अगर मैंने अप्लाई किया है अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए तो हेल्थ ऑफिशियल्स को विदिन 1 मंथ मुझे सर्टिफिकेट देना पड़ता था, बट अब उस टाइम पीरियड को बढ़ाकर 3 मंथ्स कर दिया गया है, मतलब कि जब बड़ा टाइम पीरियड मिलेगा, एक लंबा टाइम स्पेंड मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ऑफिशियल्स ये चीज चेकआउट करने में इजी पड़ जाएगा उन्हें, मतलब कि एक ज्यादा टाइम मिल जाएगा जिसमें वो सर्टिफाई कर सकते हैं और चीजों को इनडेप्थ एनालाइज करके बता सकते हैं कि कितने लेवल की डिसेबिलिटी प्रेजेंट है किसी में या नहीं है। इसी रिगार्डिंग जो एक्टिविस्ट है उन्होंने इस चीज को विड्राल करने की बात की, मतलब कि कहीं ना कहीं जो नॉर्मल पर्सन्स है पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके राइट्स को लेकर के उनको सर्टिफाई करने में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है या उनकी चीजें कम हो सकती हैं। नेक्स्ट वन इज जर्मनी हैज गिवन इंडिया स्पेशल स्टेटस फॉर मिलिट्री परचेस। बेसिकली जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दिया है। वी ऑल नो इंडिया अलग अलग कंट्री से अपने मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, सिमिलरली जर्मनी से भी हम कई सारे इक्विपमेंट्स लेते हैं अपनी डिफेंस रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। बट जर्मनी में बेसिकली जो डिफेंस सेक्टर है या मिलिट्री का जो सेक्टर है वो मेजॉरिटी प्राइवेट कंपनीज के हाथ में है, बट स्टिल जर्मनी ने हमारे साथ एग्रीमेंट साइन किया है मिलिट्री परचेस में, वो हमें कुछ छूट देगा, उसने हमें स्पेशल स्टेटस दे रखा है, बट स्टिल इंडिया को अपने किसी भी तरह के मिलिट्री परचेस के पहले एक बार सोच लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पैसा लगता है, साथ के साथ देश की जो सिक्योरिटी सेफ्टी रहती है उसको भी सोचना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज इंडिया क्लोज टू फाइनलाइजिंग इंडस्ट्री कार्बन टारगेट्स अहेड ऑफ कॉप मीट। बेसिकली हम सब जानते हैं 29th कॉप मीटिंग होने वाली है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली है बाकू अजरबैजान में। इसके पहले ही हम बात कर रहे हैं कि हम अपने कार्बन टारगेट्स को सेट करेंगे, मतलब कि थोड़ा सा और पहले मैं बात कर रही हूँ, जब कॉप 26 की गई थी तब इंडिया ने अपने टारगेट सेट किए थे कि हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएंगे। जो दूसरी बड़ी कंट्रीज हैं उन्होंने अपना टाइम रखा था कि हम 2050 तक बनेंगे, बट इंडिया ने क्लियरली कहा कि हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनेंगे या फिर नेट न्यूट्रल कंट्री बनेंगे। जितना हमारे में से कार्बन का एमिशन हो रहा है उतना ही हम उसे किसी और जगह पे मतलब कि उसको बाहर उस कार्बन को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए नहीं छोड़ेंगे, उसे किसी तरीके से वापस से ग्राउंड में या कार्बन एब्जॉर्ब करवा लेंगे। इस तरह से हमारे टारगेट्स हैं 2070 तक के। उसी टारगेट को अचीव करने के लिए हमने कार्बन मार्केट बनाने की बात की, मतलब कि हम एक लेवल ऑफ कार्बन एमिशन का एक टारगेट रखेंगे, एक्सपेंड रखेंगे कि कोई भी इंडस्ट्री कितना अमाउंट या कितने टन कार्बन को एमिट कर सकता है। अगर कोई इंडस्ट्री उस कार्बन एमिशन के टारगेट से कम एमिट कर रहा है तो उसे कुछ कार्बन क्रेडिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और कोई इंडस्ट्री ऐसी भी होंगी जो उस टारगेट से ज्यादा एमिट करेंगी, सो उनके लिए ये होगा कि या तो वो पैसे पे करें या फिर वो कार्बन जो कार्बन सरप्लस वाली कंट्रीज है, मतलब कि जिन्होंने क्रेडिट्स अर्न कर रखे हैं उनसे वो क्रेडिट पॉइंट्स परचेस करें। So, इससे क्या होगा कि एक लेवल मेंटेन रहेगा, मतलब कि एक टारगेटेड
जो हम टारगेट सेट करेंगे उसी लिमिट में ही इंडस्ट्रीज अपना कार्बन एमिशन कर पाएंगी, और जो ग्लोबल का टेम्परेचर है या जो हमारा टारगेट है 2070 तक जीरो कार्बन एमिटर बनने का, उसे हम अचीव करेंगे। सो इसी रिगार्डिंग जो है इंडिया अब आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे अपने स्टेप को फॉरवर्ड लेके जा रहा है। कॉप 29 के पहले इंडिया अपनी इंडस्ट्रीज को उनके टारगेट्स बता देगा कि कितने लेवल ऑफ कार्बन का टन वो एमिट कर सकते हैं, कितना एक एम्बिट रहता है कि इसके अंतर्गत वो अंडर रीजन कहलाएंगे या फिर उससे ज्यादा कार्बन एमिट करने पर उन्हें क्या फाइन देना पड़ेगा, किस तरह से पूरा कार्बन मार्केट स्टैब्लिश किया जाएगा, कार्बन क्रेडिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और उन्हें किस तरह से गवर्न किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज यूनियन गवर्नमेंट इंटीग्रेट्स 12 स्कीम्स ऑन ई श्रम पोर्टल। बेसिकली कल भी मैंने प्रिलिम्स रिवीजन में इस चीज को डिस्कस किया था कि लेबर मिनिस्ट्री ने ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत यूनियन गवर्नमेंट ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जो स्कीम्स प्रोवाइड की जाती हैं, वैसे 12 स्कीम्स को कंबाइन करके वन स्टॉप सॉल्यूशन के अंतर्गत दिया है। मतलब कि अगर कोई भी पर्सन, जैसे मैं हो गई, मैं अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हूँ और मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया ई श्रम पोर्टल में, तो मेरे पास वो 12 स्कीम्स को, उन 12 स्कीम्स के बेनिफिट्स लेने का राइट है। मतलब कि फिर मैं एलिजिबल हो जाऊंगी कि मुझे उन 12 स्कीम्स के बेनिफिट्स मिल सके। नेक्स्ट वन इज द मणिपुर क्राइसिस द इश्यू ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। बेसिकली इस पूरे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, हर एक रीजन की, हर एक स्टेट की अपनी स्पेशलिटी है, अपनी डाइवर्सिटी है, और उस डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए, उस डाइवर्सिटी को कंजर्व करते हुए गवर्नेंस करना करने में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहा है वो सफल रहा है। इसलिए उसने अलग 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 स्टेट्स हो गए, सिक्किम हो गया, मणिपुर हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आर्टिकल 371 के तहत उसने अलग अलग स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस का प्रोविजन दे रखा है और हर एक स्टेट में कुछ स्पेशल फीचर डाल रखे हैं कि वहां का गवर्नेंस करने के लिए किस तरह से कौन से प्रोविजन को यूज करना है। सिमिलरली चाहे त्रिपुरा हो गया, चाहे सिक्किम हो गया, दोनों स्टेट्स की अपनी अपनी डाइवर्सिटी है, उसको मेंटेन रखने के लिए आर्टिकल 371 का यूज किया गया। अगर और भी ज्यादा वहां पर स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के लोग प्रेजेंट हैं, तो स्केड्यूल 6 का यूज करके वहां पे उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए, की गई कि वो अपनी डाइवर्सिटी को मेंटेन रखे, अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सके। बट जब बात आई मणिपुर की, मणिपुर को हमने आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल स्टेटस तो दे रखा है, बट स्टिल वहां पर इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है, इसलिए वो वहां पर जो है सोशल अनरेस्ट फैला हुआ है। वहां के लोग अलग अलग तरह से डिमांड्स कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसलिए वहां पर अनरेस्ट टाइप का माहौल बन रखा है, और कहीं ना कहीं मणिपुर क्राइसिस इसी चीज का नाम है। इसको रिजोल्व करने के लिए हमें जरूरत है कि जो वहाँ की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल किया जाए और उसकी डाइवर्सिटी को इस तरह से मैनेज किया जाए कि मणिपुर भी क्राइसिस से बाहर आ पाए। नेक्स्ट वन इज द शिफ्टिंग सैंड्स विद इन ग्लोबल सप्लाई चेन। बेसिकली इस पूरे एडिटोरियल में ये डिस्कस किया गया है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स रही है वो अलग अलग समय पर इवॉल्व होती रही हैं। फॉर एग्जाम्पल 1980 से 2010 तक की बात की जाए तो हम बात करते थे इफेक्टिवनेस की, मतलब कि जो ग्लोबली कंट्रीज हैं वो इस हिसाब से ट्रेड करती थी कि वो उनके लिए इफेक्टिव हो, मतलब कि वहां से उनको प्रॉफिट लाइक सिचुएशन हो पाए। 2010 के बाद हमारा जो इंस्टेंस है वो चेंज हुआ, हम बात करने लगे कि टाइम पर हमें चीजें सारी अवेलेबल हो पाए। सो इससे क्या होता है कि जैसे यूएसए ने अपने हिसाब से चीजों को गवर्न किया, बट अभी जो चीजें हैं वो बदल रही हैं। फॉर एग्जांपल ईरान और इजराइल के बीच में सिक्योरिटी को लेकर के चीजें चल रही हैं, तब यूएसए ने अपना स्टैंड बदल दिया, अब वो बात कर रहा है सिक्योरिटी को लेकर के। अगर ग्लोबल सप्लाई चेन्स में वो उन्हीं चीजों को अपनी कंट्री में जगह दे रहा है जो कि सिक्योर हो,
इसका एग्जाम्पल ये है कि रिसेंटली यूएसए ने कुछ ऑर्डर्स पास किए। पहला ऑर्डर कि उसने चाइना से चाइना में मैन्युफैक्चर होने वाली ई व्हीकल्स को अपनी कंट्री में बैन कर दिया। उसका ऐसा मानना है कि जो ई व्हीकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा जो ऑटोमेशन के तहत उनको जो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट रहती है वो आसपास की सारी चीजों को अपने पास रिक्वायर कर लेती है, मतलब कि अपने पास रख लेती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेके इशू उठ सकते हैं। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि समय समय पर ग्लोबल जो सप्लाई चेन है वो बदलती रही है, उसके जो जो बेसिस रहा है वो चेंज होता रहा है। सो अभी का जो टाइम पीरियड है 2020 के बाद का, उसमें हम मेजरली बात करते हैं सिक्योरिटी की, जहां से हमें सिक्योर गुड्स मिल सकते हैं जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी कम ना हो, उन्हीं सप्लाई चेन का हम पार्ट बनना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन शुड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग रेकलेस लैंडिंग। बेसिकली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं जो कि अनसर्व्ड पीपल्स को फाइनेंस प्रोवाइड करने की बात करते हैं, मतलब कि जो लो इनकम पॉपुलेशन है या जिन्होंने जिनको अभी तक फाइनेंशियल सर्विसेज पूरे तरीके से प्रोवाइड नहीं हो पाई है, उन सबको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बनाया गया है। ये डील करती है माइक्रो लोन्स पर, माइक्रो सेविंग्स पर और माइक्रो इंश्योरेंस पर, मतलब कि हर कोई इतना अमीर तो नहीं है कि वो नॉर्मल बैंक्स में जा करके लोन उठा सके, वहां पे सेविंग कर सके या वहां से इंश्योरेंस करवा सके। सो जो लो इनकम के ग्रुप रहते हैं वो माइक्रो लेवल पर डील करते हैं, मतलब कि उनकी सेविंग्स भी कम रहते हैं, उनको इंश्योरेंस भी कम पैसे में चाहिए रहता है, साथ के साथ उनको लोन भी कम चाहिए रहता है। सो इन चीजों को डील करने के लिए गवर्नमेंट ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बनाया है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अच्छे भी साबित हुए हैं, कहीं ना कहीं अनसर्व्ड पीपल्स को सर्व करने में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सफल साबित हुए हैं। इंडिया में फाइनेंशियल लेवल का पेनिट्रेशन बढ़ाने में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने बहुत मदद की है। बट चीजों को और डीप में जाकर के गवर्न करने की बात की जा रही है कि अगर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रेकलेस लोन्स प्रोवाइड करेंगे, रेकलेसली लोगों को इस तरह से चीजें प्रोवाइड करेंगे, तो सिचुएशन मतलब कि सिचुएशन खराब भी हो सकती है। अच्छे से बेहतर तरीके से सोच समझ कर ही माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को अपनी लैंडिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज ग्रीन एनर्जी गोल विंड प्लेयर्स फ्रेट ओवर लैंड इश्यूज। बेसिकली हमारा जो मेन एम है, हम चाहते हैं कि हम 500 गीगावाट एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करें। उसी रिगार्डिंग हमने अभी तक इस टारगेट को अचीव भी किया है। हमारा टारगेट था कि 2030 तक हम 100 गीगावाट एनर्जी अप्रॉक्स विंड एनर्जी से निकालेंगे। इस तरह से हमारे रिन्यूएबल एनर्जी का जो रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो हमारा बढ़ सके। सो अभी तक हमने इस टारगेट को अचीव किया है, मतलब कि हम अप्रॉक्स 200 गीगावाट से भी ज़्यादा एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से निकाल रहे हैं। बट हमारा जो इंडिया है वो फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है जिसके पास पोटेंशियल है विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की। बट जो चैलेंज सामने आ रहा है वो ये है कि हम लैंड लॉस को उतना इजीली नहीं चेंज कर पा रहे, मतलब कि हम सब जानते हैं अगर हमें विंड मिल लगाना है, विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, तो हमें लैंड का यूज करना पड़ेगा, वहां पर विंड मिल स्टैब्लिश करना पड़ेगा, उसके लिए लैंड की आवश्यकता होगी। बट कहीं ना कहीं जो लैंड इश्यूज है उनके चलते हमारी जो ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्टिंग है वो चैलेंजिंग साबित हो रही है। प्रीलिम्स रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैक सी से रिलेटेड आर्टिकल आया है कि चूंकि रशिया ने जो है वो अपना यूक्रेन पर अटैक करते हुए ब्लैक सी का जो रूट है उसे भी ब्लॉकेट कर दिया है, जिसकी वजह से जो ईरान इजराइल पैलेस्टीन वाले रीजन में इश्यूज चल रहे हैं उनको तक ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने में प्रॉब्लम हो रही है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ब्लैक सी का जियोग्राफिकल लोकेशन। अगर नेबरिंग कंट्रीज की बात की जाए तो ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया एंड टर्की।
इससे रिलेटेड ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, बट स्टिल हमें रिवाइज करते रहना चाहिए। कब किस तरह से क्वेश्चन को टर्न आउट मोल्ड करके यूपीएससी फिर से दे दे, नो वन नोज। नेक्स्ट वन इज राइज मिशन, रिमूव डेब्रिस इन ऑर्बिट सर्विसिंग। बेसिकली ईयू यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक मिशन लॉन्च किया है, रिमूव डेब्रिस इन ऑर्बिट सर्विसिंग। इसके तहत वो बात कर रहे हैं कि ये मिशन जो है ये 2030 तक लॉन्च करने की बात की जा रही है, इस 2028 तक लॉन्च करने की बात की जा रही है। इस मिशन के तहत वो बात कर रहे हैं कि जैसे हम सैटेलाइट्स भेजते हैं, तो सैटेलाइट्स क्या करती हैं, कुछ टाइम पीरियड तक अपना फंक्शन करती है, उसके बाद जब उनका एनर्जी फ्यूल खत्म हो जाता है या यूं कह लो उनकी वर्किंग कंप्लीट हो जाती है, तो वो एज अ स्पेस डेब्रिस वहां पर रह जाती है। बट यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना एक मिशन स्टार्ट किया है, रिमूव डेब्रिस इन ऑर्बिट सर्विसिंग। मतलब कि स्पेस में अगर कोई चीज ऑर्बिट कर रही है, सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रही है, अगर उनमें कुछ चेंजेस लाने की आवश्यकता है जिससे उनका टाइम स्पेंड बढ़ाया जा सके, उनकी यूजेबिलिटी बढ़ाई जा सके, सो वो इन ऑर्बिट जाकर के उस सैटेलाइट की मरम्मत करेंगी, उनको रीस्टोर करेंगी, उनको जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट है उसे फिलफिल करेंगी, ताकि स्पेस डेब्रिस को कम किया जा सके। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ये सर्कुलर स्पेस इकोनॉमी प्रमोट करने में भी आगे है। मतलब कि अगर हम चीजों को फिर से रीयूज करेंगे या यूं कह लो उनका टाइम पीरियड बढ़ा देंगे, तो ये एक सर्कुलर स्पेस इकोनॉमी भी बनेगी। वी ऑल नो स्पेस इकोनॉमी बहुत एक्सपेंसिव है, अगर हम वहां पर अपने एक्सपेंसेस को कम कर रहे हैं और सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं, तो इससे हमारे लिए प्लस प्लस लाइक सिचुएशन ही आगे आएंगी। अगर और भी बात की जाए तो इंडिया ने भी सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए अपना एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया है। मतलब कि जो लॉन्च व्हीकल्स रहते हैं वो यूजुअली सैटेलाइट्स को या पेलोड्स को स्पेस में छोड़ करके और फिर लॉन्च व्हीकल्स खत्म हो जाते हैं। वी ऑल नो लॉन्च व्हीकल्स को बनाने में बहुत एक्सपेंस लगता है, बहुत टेक्नोलॉजी यूज होती है, सो अब बात की जा रही है कि हम उन लॉन्च व्हीकल्स को रीयूज कर सके, ऐसी टेक्नोलॉजी सामने लाई जा रही है। नेक्स्ट वन इज अशफाकुल्ला खान। बेसिकली अभी 1900 में इनका जन्म हुआ था और दिसंबर 1927 को इनकी डेथ हो गई थी। अक्टूबर 22 इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। अगर इनका मेजर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म करने में इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है, साथ के साथ इन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन भी कंडक्ट किया था 1925 में। नेक्स्ट वन इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। आज भी हमने स्टबल बर्निंग को लेकर के न्यूज देखी, सिमिलरली उसी चीज को अगर कनेक्ट करें हम, तो चीजों को देखने के लिए, मतलब कि कैसी एयर क्वालिटी है उस चीज को देखने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाई गई। इसके अंतर्गत 8 पॉल्यूटेंट्स को लिस्टिंग की जाती है, PM10, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, NO2, SO2, CO3, NS3 एंड लेड। इन 8 पॉल्यूटेंट्स को एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत रखा गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तैयार की जाती है CAQM के द्वारा, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसे हमने 2021 में बनाया था, बेसिकली दिल्ली और उसके एडजॉइनिंग स्टेट्स में एयर क्वालिटी को गवर्न करने के लिए। इसके पहले एनवायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट जो है उसके तहत एयर क्वालिटी को मैनेज किया जाता था। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, थैंक यू सो मच, होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब और टेलीग्राम की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।